मगर प्रधानमंत्री जी इसराइल जाते हैं, पूरा अदानी जी के हाथ में चला जाता है। मैं चैलेंज करता हूं पूरी कांग्रेस पार्टी, गलत आरोप लगाया, मगर रियलिटी तो यह है कि एचएएल का जो कॉन्ट्रैक्ट था 126 हवाई जहाजों का, वो अनिल अंबानी को चला गया और अनिल अंबानी बैंकरप्ट हो गया। वहां भी फैसिलिटेशन था। अब देखिए, और ये जो फ्यूचर एंटरप्रेनर्स हैं, जो बिजनेस स्कूल हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे स्कूल दें, इनको इसका केस स्टडी, इसकी केस स्टडी बनानी चाहिए, शायद बने। हाउ टू यूज गवर्नमेंट पावर टू बिल्ड इंडिविजुअल बिजनेसेस, केस स्टडी। तो अब देखिए, अदानी जी की डिफेंस में इंटरेस्ट देखिए, एल्बिट कंपनी के साथ हिंदुस्तान में अदानी जी ड्रोन्स बनाते हैं, ड्रोन्स को हिंदुस्तान की एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के लिए रिफिट करते हैं। अदानी जी ने यह काम कभी नहीं किया है पहले, एचएएल ये काम करती है। हिंदुस्तान में और भी कंपनीज हैं जो ये काम करती हैं, मगर प्रधानमंत्री जी इसराइल जाते हैं और उसके एकदम बाद अदानी जी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। मगर एक नहीं मिलता, ये मत सोचिए कि ये सिर्फ एक कंपनी की बात हो रही है, ये इंडस्ट्रीज की बात होती है। यहां पे जैसे मैंने आपको दिखाया, एयरपोर्ट का पूरा सिस्टम उठा के ले गए, 30% मार्केट शेयर एयरपोर्ट में ले गए, वैसे ही डिफेंस में करा। तो चार डिफेंस की इनके पास कंपनीज हैं, ये काम इन्होंने कभी नहीं किया। स्मॉल आर्म्स, जिसमें टावर है जो हमारी स्पेशल फोर्सेस यूज करती है, आर्मी यूज करती है, जिसमें गलील स्नाइपर राइफल है, ये सब अदानी जी बनाते हैं। सीधा स्ट्रेट इसराइल में प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ वहां पे, मतलब बीच में पैदल चलते हैं और फिर जादू से पीछे से इंडिया का फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एमआरओ मिल जाता है मेंटेनेंस के लिए, जहाजों के मेंटेनेंस के लिए। स्मॉल आर्म्स का बिजनेस मिल जाता है, इजरायली जो ड्रोन्स हैं उसका बिजनेस मिल जाता है। मतलब जो हिंदुस्तान और इजरायल का डिफेंस का रिश्ता है, वो पूरा पूरा अदानी जी के हाथ में चला जाता है, खत्म कहा। हाँ, उसमें पेगासस भी है, तो पता नहीं वहां से क्या, मतलब पेगासस कैसे आया, क्या हुआ, किसने दिया। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, एक कंपनी है अल्फा डिफेंस, जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करती है, एवियोनिक्स का काम करती है, और बहुत स्ट्रेटेजिक कंपनी है, वो भी अदानी जी के हवाले कर दी गई, अदानी जी ने एक्वायर कर लिया। तो आपने देखा कि एयरपोर्ट्स का बिजनेस 30% मार्केट शेयर, हिंदुस्तान और इसराइल का जो वेपन्स का बिजनेस है 90% उठा के ले गए, एक विजिट। ये है फॉरेन पॉलिसी। चलिए, अब मैंने आपको इसराइल की बात बताई, ऑस्ट्रेलिया चलते हैं, कोयला, ऑस्ट्रेलिया चलिए। ऑस्ट्रेलिया में अदानी जी जाके क्यों, आप तो डिबेट करना चाहते थे, आप भी तो डिबेट करना चाहते थे, आपने बोला था कोई भी विषय पे डिबेट हो तो हो गया डिबेट, अब क्यों डर रहे हो डिबेट से, अब क्यों डर रहे हो डिबेट से, क्यों डर रहे हो, जब हमने जेपीसी की मांग की आपने बोला सदन में उठाओ, अब क्यों डर रहे हो, आप चर्चा से क्यों डर रहे हो, चर्चा से डर रहे हो आप। Thank you.
ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, क्या नंबर बताएं? 369 सर, ये क्या है? 369 सर, ये कहता है सर, एक पेपर ऑफ डॉक्यूमेंट भी लेकर टेबल सेल्फी डॉली, देखिए सर, मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि जीएमआर और जीबी के उसको कब एयरपोर्ट का जो है संचालन का अधिकार था और कौन सा रूल है वो कोर्ट करे सर, किस रोल के आधार पर ये, इनको मैं चैलेंज करता हूँ, पूरी कांग्रेस पार्टी को चैलेंज करता हूँ कि जीएमआर और जीबीके को कौन सा एयरपोर्ट चलाने का लाइसेंस जब दिया तो उनको उसका नॉलेज था, मैं चैलेंज करता हूँ पूरी कांग्रेस पार्टी को। जब इन्होंने बिरला को बनाने का दिया, डालमिया को बनाने का दिया, टाटा को बनाने का दिया लाइसेंस, उस वक्त उनको कौन सा मोटर चलाने का अधिकार था सर? ये गलत बयानी कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आप एलिगेशन प्रधानमंत्री के ऊपर लगा रहे हैं, आप पेपर दीजिए और कौन सा रूल भारत सरकार ने चेंज किया एयरपोर्ट में अडानी के लिए वो ऑथेंटिकेट कीजिए, नहीं तो इस तरह की बात नहीं कर सकते। ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा राहुल गांधी जी, आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, आप ऐसा नहीं बोल सकते हवाले, आप हवाला बोल रहे हो और प्रधानमंत्री जी पे आरोप लगा रहे हो, आपको ऑथेंटिकेट करना ही पड़ेगा, आप ऐसे ही बोल रहे हो कि जीएमआर का जीवीके के सदै रूल था, कहा था रूल, कोई रूल नहीं था, आपको यू हैव टू ऑथेंटिकेट, और ऑथेंटिकेट करके ही रखना पड़ेगा आपको, पहले 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 रखिए और उसके बाद आगे बात करने देंगे, नहीं तो माफी मांगिए देश से। आप प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगा रहे हैं, सर बोलने दीजिए, अनाप शनाप आरोप लगा रहे, बिना किसी डॉक्यूमेंट के आरोप लगा रहे प्रधानमंत्री जी पे। रूल 353 सर, रूल चित्रित किया है सर, नो एलिगेशन ऑफ डिफेमेटरी और इनक्रिमिनेटरी नेचर शैल बी मेड अनलेस यू हैव गिवन नोटिस। छोड़िए, वो तो प्रधानमंत्री के खिलाफ एलिगेशन लगा रहे हैं बिना नोटिस दिए, बिना कोई डॉक्यूमेंट दिए। सर ये रिकॉर्ड पर नहीं जाना चाहिए सर, ये बिल्कुल रूल का उल्लंघन है, और क्या क्या बातें वो कह रहे हैं सर, मैं उसको रिपीट नहीं करना। रेकलेस एलिगेशन, बेसलेस एलिगेशन, इन वायलेशन ऑफ रूल्स सर, ये स्वीकार नहीं होना चाहिए। सब बैठिए, ऑस्ट्रेलिया पीएम प्लीज बैठिए, आप प्लीज बैठिए, वरिष्ठ वकील साहब बैठिए, नियम जाते हैं। एक मिनट राहुल जी, एक मिनट, नियम 369 भी मैंने देखा है, 353 भी देखा है, मेरा आग्रह है, सदन भारत की संसद है, हम एक विषय पर सारी राष्ट्रपति की चर्चा लगाइए उचित है क्या? फिर आपको बोलना बोले नहीं, स्पीकर गलत तरीका है, राहुल गांधी जी आप बोल, नहीं नहीं गलत तरीका है, क्या देश को संदेश देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं देश को? चलिए राहुल गांधी जी, ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री जाते हैं, आप बोलिए सर, स्पीकर सर, प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और जादू से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया $1 बिलियन लोन अदानी जी को, मोदी जी आपका सरकारी सदीर प्लीज, उसके बाद मैं उदाहरण दे रहा हूं, पूरी दुनिया में मोदी जी जाते हैं घूमते हैं तो मैं बता देता हूं क्या होता है वहां पे, बांग्लादेश में गए, हाँ हाँ काम पे ही जा रहे हैं, वही तो बोल रहा हूं, काम पे जा रहे हैं, बांग्लादेश जाते हैं,
मोदी जी की पहली ट्रिप होती है बांग्लादेश में, वहां पे बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी बेचने का डिसीजन लिया जाता है। कुछ ही दिन बाद बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट अदानी जी के साथ साइन कर देता है, 1500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्ट्रैक्ट अदानी जी। चलिए वहां से श्रीलंका चलते हैं। June 2022 में चेयरमैन ऑफ श्रीलंका सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड MMC फर्नांडो इन्फॉर्म्ड ए पार्लियामेंट्री कमेटी इन श्रीलंका इन ओपन हियरिंग दैट ही वॉज टोल्ड बाय प्रेसिडेंट राजापाक्सा दैट PM मोदी प्रेशर्ड हिम टू गिव द विंड पावर प्रोजेक्ट डायरेक्टली टू मिस्टर अदानी। मतलब श्रीलंका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन कहते हैं कि उन्होंने राजापाक्सा जी ने कहा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनको कहा है कि ये विंड पावर का प्रोजेक्ट है, ये अदानी जी को देना है। तो ये रही आपकी फॉरेन पॉलिसी, ये हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये अदानी जी की फॉरेन पॉलिसी है, उनके बिजनेसेस बनाने की फॉरेन पॉलिसी है। अब यात्रा में मुझसे दो तीन और सवाल पूछे गए। यात्रा में लोगों ने मुझसे पूछा, राहुल जी ये जो LIC कंपनी है इसका पैसा अदानी जी की मदद करने के लिए क्यों डाला जा रहा है। उन्होंने यह भी पूछा